दुनिया भर में जियो एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को अपने न्यूज कास्टर मुजीन हुसैन बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं जिला गुजरात से, जहां तहरीक तहफ्फुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुजाहिद खत्म नबूवत गाजी नामूस रिसालत गाजी साकब शकील जलाली की ज़ेर क़यादत सालाना अज़ीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का खत्म नबूवत सेंटर पंजन कसाना खारिया में शानदार इनेकाद। कॉन्फ्रेंस की सदारत जानशीन हजरत हाफिज़ुल हदीस जिगर को शाह क्यूम जमा पीर तरीकत साहबजादा पीर मुफ्ती नवीदुल हसन शाह मशदी सजादा नशीन अस्ताना लिया भिक्खी शरीफ व सरपरस्त आला तहरीक तहफ़्ज़ो इस्लाम इंटरनेशनल ने फरमाई, जबकि उस्तादुल उलमा इमामुल मुहक्किकीन बहरुल उलूम मौलाना मुफ्ती अब्दुल स्तार सईदी शेखुल हदीस जामिया निजामिया लाहौर और कायदे मिल्लत इस्लामिया मुफक्कर इस्लाम साहबजादा अल्लामा डॉक्टर कोकब नूरानी उकाडवी ऑफ कराची ने खत्मे नबूवत पर मुदल्लल और ईमान अफरोज खिताब फरमाया, जिसे पंडाल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद आका तेरी शान की खातर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर के फलक से गाफ नारों से गूंज उठा। ईदगाह शरीफ रावलपिंडी की जेब जीनत साहबजादा पीर साद और रहमान नक्शबंदी ने कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत की और खत्म नबूवत पर बयान फरमाया। खसूसी नाद दुनिया नाद की मारूफ आवाज बुलबुले कुए मदीना आलमी शोहरत याफ्ता सना खान खालद हसनैन खालद चकवाल ने अपने खसूसी अंदाज में पेश की। सैयद इमरान अफगन शाह ने सरकार मदीना की बारगाह में हदिया अकीदत पेश की। इस मौके पर उलमा इकराम व मशाहे उज़्ज़ाम ने गाजियान खत्म नबूवत को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुजाहिद खत्म नबूवत गाजी साकब शकील जलाली ने आने वाले मशाहे उज़्ज़ाम उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम और नारवाल गुजरांवाला सरगोदा मंडी बहुद्दीन सालम लोहारिया कोटला ककराली डडियाल आजाद कश्मीर टोबा टेक सिंह जंग जलालपुर जट्टा डिंगा संधावाला हासला वाला रख बलोच समेत दीगर इलाकों से काफिलों की शक्ल में आने वाले आशिकाने रसूल की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में अंजुमन जलालिया के गुजरात के जिली सदर अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान जलाली ने शहदा इस्लाम मुजाहिदीन खत्म नबूवत आलम इस्लाम और वतन अजीज के लिए खसूसी दुआ की। कैमरामैन नवीद अफजल चिरुंडिया के साथ रिपोर्ट हाफिज अबू बकर सदीक स्टाफ रिपोर्टर जियो एक्सप्रेस न्यूज।